संभावना में जमानत मिल सकता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा ड्रग माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग द्वारा सांवेर औद्योगिक क्षेत्र में कई उत्पादन इकाइयों का निरीक्षण किया गया। यूनी ड्रग इकाई का निरीक्षण करने पर मेथनॉल बिना लाइसेंस के पाया गया। मध्य प्रदेश पॉइजन एक्ट 1960 के तहत उत्पादन इकाई के पास कोई भी लाइसेंस नहीं पाए जाने पर फैक्ट्री परिसर में रखा मेथनॉल सील कर दिया गया। कुल 6500 किलोग्राम मेथनॉल सील किया गया है। इसी तरह पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा बिना मेथनॉल लाइसेंस के उत्पादन करने पाया गया। टीम द्वारा फैक्ट्री परिसर में रखे 160 किलोग्राम मेथनॉल को सील बंद कर उत्पादन रोका गया। पिछले दिनों मुरैना एवं मंदसौर जिले में कई मौतें मेथनॉल के कारण हो गई थी। उल्लेखनीय है कि गत दिवस कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिले में किसी भी तरह के माफियाओं को पनपने नहीं दिया जाए। माफिया चाहे कितना बड़ा हो, कैसा भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, छोड़ा नहीं जाए। इसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई सहायक आबकारी आयुक्त श्री राजनारायण सोनी निर्देशन में कंट्रोल, राजीव द्विवेदी सहायक जिला आबकारी अधिकारी अवधेश पांडे, आबकारी उप निरीक्षक नितिन आशापुरे द्वारा की गई। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।